एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग की खबर से। दरअसल अब शूटर की तलाश में 3 राज्यों की पुलिस इसमें एक्टिव हो गई है, इसमें एक्शन में आ गई है। महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने इसमें जांच तेज कर दी है। सलमान के घर पर लॉरेंस का नाम सामने आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। माना यह जा रहा है कि जो आरोपी दिखे भी हैं फुटेजेस में वो हरियाणा के रहने वाले हैं, जो अभी फरार चल रहे हैं। उनमें से एक आरोपी का नाम रोहतक ही 29 फरवरी को बुकी की हत्या में सामने आया था। इन दोनों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। हमले में जो हमला कराने का जो शक है वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर है। रोहित गोदारा गैंग का भी इसमें नाम सामने आ रहा है, लेकिन सलमान खान के पीछे बिश्नोई गैंग लंबे समय से पड़ा हुआ है और कई बार सलमान खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका है और ये बात वो खुले तौर पर भी कह चुका है। और अब सलमान खान के घर पर गोली चलाने वालों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन 3 राज्यों की पुलिस एक्शन में है। सलमान खान के घर पर क्या लॉरेंस बिश्नोई ने चलवाई गोलियां? फायरिंग कर महाराष्ट्र से बाहर भाग गए आरोपी, क्या थी अभिनेता के घर पर फायरिंग करने वालों की असली साजिश? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द जांच एजेंसियों ने चक्रव्यूह रचा है ताकि दोनों आरोपी दबोच लिए जाएं और एक एक सच सामने आ सके। गोलीबारी मुंबई में अभिनेता सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई, लेकिन जांच का दायरा 3 राज्यों तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी है, वहीं दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल भी एक्टिव हो गई है। साथ ही हरियाणा पुलिस ने भी तफ्तीश तेज कर दी है। आखिर तीनों राज्यों की पुलिस एक साथ सलमान के घर पर गोलियां दागने वालों की खोज में क्यों जुट गई है? दरअसल सीसीटीवी में जो सुराग मिले हैं उनका कहीं न कहीं इन 3 राज्यों से कनेक्शन माना जा रहा है। इस तस्वीर में 2 आरोपी दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि जो पीछे वाला आरोपी है उसका नाम विशाल उर्फ कालू है, जो गुरुग्राम का रहने वाला है। विशाल राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा का शूटर है। रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। हाल ही में विशाल ने हरियाणा के रोहतक में एक बुकी की हत्या कर दी थी। उस मामले में विशाल अभी फरार है। शक है कि दूसरा शूटर रोहतक का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक रविवार को अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग के बाद दोनों शूटर बांद्रा पहुंचे, वहां अपनी बाइक छोड़ दी, फिर रिक्शा से रवाना हो गए। पुलिस को आशंका है कि दोनों दहिसर चेक नाका क्रॉस कर मुंबई के बाहर भाग गए हैं। हमारी 15 से ज्यादा टीमें बनी हुई है और फिजिकली टेक्निकली हर एंगल से हम इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, इसमें और कोई एंगल अब तक प्राइमरी डेटा सामने आया, प्राइमरी जानकारी सामने है कि कौन इसके पीछे कौन हो सकता है? नहीं, ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी हम फायरिंग के हिसाब से रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सीसीटीवी में दिखे दोनों आरोपियों को दबोचने के लिए मुंबई पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। खबर है कि पुलिस ने रिक्शा चालक और कुछ अन्य लोगों के बयान दर्ज किए हैं। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने रविवार को गुरुग्राम जाकर संदिग्ध विशाल उर्फ कालू के घर पर तलाशी ली। फायरिंग के बाद से हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब जांच की जिम्मेदारी संभाल ली है। फिलहाल सलमान के घर के बाहर जबरदस्त सुरक्षा है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर सलमान के घर फायरिंग में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम कैसे आया? तो इसका जवाब है ये वायरल पोस्ट। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का ये पोस्ट बताया जा रहा है। अनमोल की मौजूदगी अमेरिका में बताई जाती है। इस पोस्ट की प्रमाणिकता की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस वायरल पोस्ट का मजमून देखिए। अनमोल बिश्नोई के नाम से वायरल इस पोस्ट में लिखा गया है, हम अमन चाहते हैं। जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से है तो जंग ही सही। सलमान खान, हमने ये तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को और मत परखो। ये पहली और आखिरी वार्निंग है, इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेंगी। पुलिस अब इस पोस्ट की भी जांच कर रही है और सलमान खान को पहले मिली धमकियों से इसकी कड़ियां जोड़ रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ, मुंबई से देव कोटक और दीपेश त्रिपाठी आज तक। सलमान खान को पहले से लगातार धमकियां मिल रही हैं। इससे पहले सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड गैंग की तरफ से धमकियां मिल चुकी हैं।
यह बताया जाता है कि बिश्नोई बराड़ गैंग की ओर से सलमान खान के घर पर हमले के लिए शूटर्स भी भेजे गए थे साल 2022 में। सलमान खान के पिता सलीम खान जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे तब एक चिट्ठी भी वहां पर पाई गई थी, एक चिट्ठी वहां पर रखी गई थी। धमकी के बाद से सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, सलमान खान को हथियारों का लाइसेंस भी दिया गया था, सलमान खान एक विशेष गाड़ी भी अपने लिए लेकर आए, घर के आसपास भी सलमान खान की जो चौकसी बढ़ गई है, पुलिस की गश्त में इजाफा हुआ। सलमान खान पहले एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं, पुलिस या सुरक्षा के साथ निजी गार्ड भी वो अपने साथ में रखते हैं, लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद दो हमलावरों ने जिस तरह से सलमान खान के घर को निशाना बनाया ये बहुत चिंताजनक है। सलमान खान के घर में फायरिंग करने वालों में विशाल उर्फ कालू का नाम आ रहा है। अब आपको उसके हम क्राइम कुंडली दिखाते हैं, इस पर 5 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और दिल्ली और गुरुग्राम में भी इसके खिलाफ केसेस दर्ज किए गए हैं। फायरिंग और बाइक चोरी के भी केसेस इस पर हैं। उसके साथ साथ हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। रोहतक में हाल में एक बुक्की की हत्या हुई थी, उस हत्या में भी यह शामिल था, विशाल उर्फ कालू। इसके अलावा हरियाणा में ही डकैती की वारदातों में यह वांछित है, इसको ढूंढा जा रहा है। अब रुक करते हैं हमारे दो संवाददाताओं का। हमारे साथ देव कोटक जुड़ गए मुंबई से और साथ ही साथ हमारे साथ अरविंद ओझा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देव कोटक, आपके पास आते हुए सलमान खान के घर की, सलमान खान की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, कैसे आप इस समय पुलिस या इन्वेस्टिगेशन मुंबई की वो कहां तक आगे बढ़ी है? जी पहले तो हम आपको दिखा देंगे कि ये जो दिशा में है बैंड्रा बैंडस्टैंड, जहां पर आगे शाहरुख खान का घर भी पड़ता है, इस दिशा से होते हुए आगे की तरफ माउंट मेरी चर्च की तरफ, जहां पर ये चोरी की जो बाइक है वहां छोड़ी गई थी। लेकिन सिक्योरिटी अगर आपको फिर से एक और बार दिखा दे तो उनके कंपाउंड में तो जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी और जो मुंबई पुलिस तैनात रहती है, तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां है। वहां पर आप बैंड्रा पुलिस स्टेशन की एक वैन देख रहे हैं, बैंड्रा पुलिस के भी जो बैरिकेड मुंबई पुलिस के लगाए गए हैं ताकि यहाँ लोग और भीड़ भी ना जमा हो सके इसीलिए। लेकिन जैसे आप जानते हैं विशाल राहुल नामक एक वांटेड गैंगस्टर का नाम इसमें आया है, जो पीछे बैठे थे, जिसे हम पिलियन राइडर कहते हैं, जिसने हवा में भी फायरिंग की और सलमान खान के बिल्डिंग पर भी। अगर आप वो जो होल मार्क देखेंगे वो बुलेट मार्क है, उसी छपरे पर कल बलिस्टिक्स टीम जो कि फॉरेंसिक्स से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर थे स्पॉट से, उन्होंने सारे सबूत इकट्ठा किए, केसिंग्स वगैरह लेकर गए और एक जो जीवित यानी कि लाइव राउंड मिली, जो एक अनफायर्ड बुलेट थी वो भी उन्हें मिली। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी काफी बढ़ाई गई है, उनको वाई प्लस सिक्योरिटी दी जा रही है सलमान खान को। लेकिन कल की जब ये घटना घटी तो सलमान खान और उनके माता पिता घर पर ही थे, सोए थे। हमने देखा था सलमान कैसे बाहर आए थे लोगों के बीच में, जब बड़ी भीड़ वहां पर पहुंची थी, ये घटना तो तब भी हो सकती थी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपने सिक्योरिटी तो दी है लेकिन ये कैसी सिक्योरिटी कि उनके घर पर हमला हो जाता है। अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा का, चूंकि शूटर्स का कनेक्शन हरियाणा दिल्ली से है, कैसे कौन कौन से गैंग इसमें एक्टिव है, दिल्ली और हरियाणा पुलिस अरविंद कैसे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करे, कितनी टीमें बनाई गई हैं? नहीं देखिए, सबसे पहले बताऊं कि जैसे ही सीसीटीवी में शूटर्स दिखाई दिए दिल्ली पुलिस भी एक्टिव हो गई, क्योंकि सलमान खान पर हमले की साजिश का खुलासा लगातार स्पेशल सेल की टीम करती रही है। तो उसके बाद जब जानकारी मिली तो सबसे पहले जो एक शूटर है दोनों में से उसकी पहचान की गई, जो जिसका नाम विशाल है, वो गुरुग्राम का रहने वाला है। स्पेशल सेल की टीम भी वहां पर पहुंची, गुरुग्राम पुलिस की टीम भी पहुंची। वहां जानकारी मिली कि कई महीनों से विशाल गुरुग्राम में अपने घर पर नहीं रह रहा है। उसके बाद जानकारी मिली कि बीते महीने रोहतक में एक सनसनीखेज मर्डर हुआ था राजीव, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, उस हत्याकांड में विशाल शामिल था। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका जो हैंडलर है वो भारत से फरार राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बड़ा सिंडिकेट है जिसमें अलग अलग राज्यों के कुख्यात वांटेड गैंगस्टर शामिल हैं जो भारत से फरार चल रहे हैं। और जिम्मेदारी किसने ली है? जिम्मेदारी ली है लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने, लेकिन एक पूरी प्लानिंग के तहत ये शूट आउट को अंजाम दिया गया है। महीनों पहले से सूत्र है वो बताते हैं कि इसकी प्लानिंग की गई, प्रॉपर रेकी की गई और उसके बाद शूट आउट को अंजाम दिया गया। रेकी पहले भी हो चुकी है 2018 से, चाहे सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी करना हो या फिर
जो पनवेल का फार्म हाउस है वहां पर रेकी करना हो। 2018 में संपत नेहरा जो हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर है उसने रेकी की, लॉन्ग रेंज का वेपन नहीं था तो प्लान फेल हो गया। उसके बाद फिर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड के बाद फार्म हाउस की रेकी हुई, तकरीबन 7 से 8 शूटर पहुंचे हुए थे, सलमान पर अटैक की प्लानिंग थी, वो प्लानिंग भी एजेंसियों ने एक तरीके से फेल कर दी। लेकिन इस बार दहशत फैलाने के लिए और कहीं ना कहीं सलमान खान को मैसेज देने के लिए अल सुबह तकरीबन 5:30 बजे फायरिंग की गई है, घर की छत पर खिड़कियों पर फायरिंग की गई है। और फायरिंग के बाद अमेरिका में बैठा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जिम्मेदारी भी लेता है। बहुत शुक्रिया अरविंद आपका और देव कोटक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सलमान खान के घर पर जिस शूटर ने गोली चलाई उसकी शिनाख्त विशाल उर्फ कालू के रूप में हुई है। विशाल उर्फ कालू ने 29 फरवरी को रोहतक में एक बुकी की हत्या को भी अंजाम दिया था। दिल दहला देने वाला यह वीडियो 29 फरवरी का है। जगह हरियाणा के रोहतक जिले का एक ढाबा। वीडियो में आप फायरिंग और चीख पुकार की आवाज सुन रहे हैं। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में जिस शूटर विशाल उर्फ कालू का नाम आ रहा है, आरोप है कि 29 फरवरी को इस वारदात को उसी ने अंजाम दिया था। आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर विशाल ने रोहतक में बुकी सचिन मुंजाल की हत्या को अंजाम दिया था। मुंजाल अपनी मां और पत्नी के साथ एक शादी में शामिल होने संगरूर जा रहा था। तीनों खनमाजरा बाईपास के पास एक ढाबा पर खाना खाने रुके थे। खाना खाकर जैसे ही मुंजाल अपनी कार में बैठा उस पर हमला हो गया। तस्वीरों में देखिए बेटे पर हमले के बाद कैसे उसे बचाने के लिए मां दौड़ पड़ी। मुंजाल को 12 गोलियां मारी गई थी, उसे बचाने में 2 गोलियां उसकी मां को भी लगी। वारदात को अंजाम देकर विशाल फरार हो गया। अब करीब 1.5 महीने बाद उसे विशाल का नाम सलमान के घर फायरिंग में सामने आया है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई तो विपक्ष ने शिंदे सरकार को घेर लिया और एनसीपी ने पूछा कि जब सलमान खान के घर पर हमला हो सकता है फिर बाकी लोगों का क्या हाल होगा। नहीं, पूरी महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था बहुत चिंताजनक है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। सरकार है कहां, यहां पुलिस है कहां? सलमान खान तो बड़ा नाम है, सुपरस्टार है, इसलिए आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इस शहर की कानून व्यवस्था पूरी तरह से उध्वस्त हो गई है। यहाँ की महिला है, युवा, सामान्य जनता सब चिंतित है। सलमान खान जी जहाँ रहते हैं उनके घर के बाहर अगर ऐसी फायरिंग हो रही है तो देश में क्या हो रहा है? मुंबई जैसी जगह पे सलमान खान जी के घर के बाहर, फिर इस देश में अगर सलमान खान जी के घर जो बहुत बड़ा पब्लिक एरिया है तो देश की नागरिकों की सुरक्षितता की जिम्मेदारी कौन लेगा? इट्स अ कंप्लीट फेलियर। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सरकार विपक्षी दलों के हमलों का जवाब दे रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जब जानकारी सामने आएगी तो लोगों को दे दी जाएगी। क्या संदर्भात पुलिस तपास करता आहे, त्या संदर्भात योग्य माहिती मिळेल त्यास माहिती दिली जाईल। मला असं वाटतं की त्याचा योग्य अटकळ बाजूला येतील।